कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धरि 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारि जय राधा जय कुंज बिहारि जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरि कृष्ण 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bye.
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाये तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप में सची मैया की गर्भ से भगवान जन्म ग्रहण किया है। कृष्णा गीता में कहते हैं अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सर्ण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बोले हे अर्जुन मैं अजय हूं मतलब मेरा जन्म नहीं है लेकिन मैं जन्म लेता हूं। हम कभी कभी बोलते हैं ना अरे हमने जैसे जन्म लिया भगवान तो वैसे ही जन्म ले लिया। कृष्ण कहते नहीं मेरा जन्म नहीं है मैं अजन्मा हूं लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूं। इसलिए कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति स्वर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और जो कर्म है जन्म कर्म च मे दिव्यम मेरा जन्म कर्म अलौकिक अप्राकृत है। अगर कोई मेरे जन्म कर्म के बारे में समझ जाए प्रत्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम जब वो शरीर छोड़ता है फिर जगत में फिर वो दोबारा जन्म ही नहीं लेता है। अगर मेरे जन्म कर्म को कोई समझ जाए अभी प्रश्न है फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं इसका पीछे बहुत रहस्य है। हाँ मैं कुछ कारण बताऊंगा अब याद रखना फिर मैं कल पूछूंगा ठीक है। भगवान क्यों जन्म लेते हैं उनका तो जन्म है ही नहीं फिर ठाकुर जी जन्म क्यों लिए इसका पहला कारण बताए। बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया इसलिए मैं जन्म लेता हूं मेरा तो जन्म नहीं इसलिए मैं जन्म ग्रहण करता हूं मेरे भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए। अगर भगवान जन्म नहीं लेते जैसे अभी हम जन्माष्टमी मनाए नंद के आनंद भाई ओ जय कन्हैया अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो हम जन्माष्टमी मनाते। अगर राधा रानी जन्म नहीं लेती फिर क्या हम राधा रानी की जन्म उत्सव मनाते फिर घर में बैठी करके बेटा बहू की बात करते नहीं तो टीवी बैठी बैठी कर देखते गप मारते। इसलिए भगवान जन्म लेते हैं अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए ठाकुर जी जन्म लेते हैं। इसलिए शास्त्र ने बताए अगर ये भवसागर को कोई पार करना चाहते हैं और भगवान कैसे लीला की ऐसे नहीं ऐसे कोई दिव्य लीला उन्होंने नहीं की जो कि हमारा समझ में नहीं आए। प्रभु ने ऐसे लीला की जैसे साधारण बच्चा जैसे करते हैं जैसे बच्चे को जैसे भूख लगे मैया के पास में जैसे मचलते हैं मैया मेरे को दूध पिला दे मैया मेरे को खिला दे। हाँ भगवान ऐसे ऐसे कन्हैया लीला की जैसे बच्चे झूठ बोल देते हैं कोई गलत काम करते हैं ना अगर मैया अगर पूछे तुमने ये काम की जैसे बच्चे डर के मार नहीं मैया मैंने नहीं की मार की भाई से क्या तो उसी तरह भगवान मक्खन खा लिए। मैया ने पूछी लाला तेने मक्खन खाई कृष्ण क्या कहते हैं बोले मैया मोरी
मैंने ही माखन खायो सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो भोर भयो गई अन को पाछे माधुबन मो हे पठायो सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। भगवान झूठ बोल देते हैं जिनको शास्त्र में सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनि निहितम से सत्य, जिसको शास्त्री शास्त्र में जिनको त्रिसत्य बोल कर कहते हैं, जो सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है लेकिन मैया के डर से झूठ बोलते हैं। बोले कन्या तुमने मिट्टी खाई, लेकिन मिट्टी खा लिए मैया मुझे कन्या तेने मिट्टी खाई, मैया कान बोलती। बोले मिट्टी तुमने खाई, बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सखाओ ने जान तो मैया जी कहा भयो, बोले क्या हुआ है? बोले सखा लोग अपना घर से लड्डू मिठाई चोरी चोरी करके लाते हैं, मैया तेरे को पता है मैं तो चोरी का जी खाता ही नहीं, ये मेरे को जोर जबरदस्ती बोलते हैं तू खा, मैं खाया नहीं, डर गए, मैं घर में जाकर शिकायत नहीं कर दू मैया के पास, इसलिए पहले मेरे नाम पर शिकायत कर दी है। इसलिए प्रभु ऐसे ऐसे प्रभु लीला की है, ऐसे ऐसे प्रभु लीला की जैसे साधारण बच्चे जैसे करते। बोले क्यों? कारण है हमारा भक्तों का मन को अपना लीलाओं में वो ऐसे डूब देना चाहते हैं, ऐसे उसमें पूरा शराब और कर देना चाहते हैं, जीव ये संसार को भूल करके मेरे लीला में मस्त हो जाए, मेरे लीला में वो डूब जाए, भक्त लोग सारा दुनिया को भूल जाए। इसलिए ठाकुर जी लोकवत लीला करते हैं, ऐसे नहीं कोई दिव्य लीला नहीं कर दी जो कि हमारा समझ में नहीं आए, ऐसे नहीं एकदम साधारण बालक जैसे। इसलिए बोले अनुग्रह है भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया, केवल भक्तों के ऊपर में प्रभु कृपा करने के लिए यह लीला की है। इसलिए शास्त्र ने बताया बोले काल व्यालम मुखम ग्रास त्रास निर्नस है तवे, बोले ये काल नहीं है व्याल मतलब सर्प है, ये काल रूपी सर्प जीव को ग्रास कर रहे हैं, कभी सूरज नहीं ये साक्षात काल है। हम कहते भैया कितना उम्र हो गया, हम 30 साल का हो गए, हम 40 साल का हो गए, शास्त्र कहता है नहीं तुमने 30-40 साल के नहीं हो गए, तुम्हारे 30-40 साल घट गया है, कम हो गया तुम्हारी परमायु में वो घट गए, हम बड़े नहीं हुए हैं, हम छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन सुतो गोस्वामी कहते हैं ये काल तो सभी का उम्र को हरण कर रहा है लेकिन एक व्यक्ति का उम्र को हरण नहीं कर पाता है, बोले किसका समय को, बोले तस्सरिते जम क्षणम नीतम उत्तमा श्लोक लीलया, जिनका समय प्रभु की कथा में प्रभु की भजन में प्रभु की भक्ति में जिनका समय बीत रहा है, समझना उनका समय ही कि काल हरण नहीं कर पाता है, नहीं तो सभी का जो काल सभी का समय हरण कर रहा है। इसलिए अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते क्या करे, केवल एक उपाय है भगवान की कथा में भगवान की भक्ति में एकदम मन को उसी में सरावर कर दो बस। इसलिए एक सुंदर उदाहरण दिया है, आप देखे होंगे नेवला जो सांप होता ना लड़ाई होती है, नेवला नेवला जानते ही नहीं, हाँ क्या बोलते हैं नेवला को क्या बोलते हैं, इन्होंने नेवला नहीं जानते हो, गुज मनगुज जिसको कहते हैं, मनगुज जिसको कहते हैं, हाँ नेवला नहीं जानते हो तुम लोग, हाँ अब लोग रहते हो शहर में ना, इसलिए जो सांप और नेवला होता है मनगुज जिसको मनगुज कहते हैं, हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहती है सांप और नेवला में लड़ाई होता है, जब ये सांप ये नेवला को काटता है और नेवला को पता है क्या दवा खाने पर ये सांप का जहर असर नहीं करता है, जब उसको एक बार काट देना वो जो नेवला बोलता है एक्सक्यूज मी, वो बोलेगा एक्सक्यूज मी थोड़ा रुको अभी मैं आ रहा हूँ, वो झट जाकर क्या करता है उसको पता है कौन सा जड़ी बूटी को खानी चाहिए, उसको खा करके ना फिर आ जाता है।
फिर सांप को साथ में लड़ाई करेगा, करते करते अगर फिर अगर सांप काट दिया बोले भाई हम एक्सक्यूज नहीं करते, अभी मैं आता हूँ, वो फिर जा करके फिर वो दवाई उठा लेगा, फिर आएगा और ऐसे करते 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 लास्ट में वो सांप को खत्म कर देता है। उसी तरह उदाहरण दिया, जो काल है, ये के ब्याल है, ये के सर्प है, ये सभी हमारा जीवन को बर्बाद कर रहा है, सूरज बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भगवत कथा में अपना मन को डुबो दे, भगवत भक्ति रस में डुबो दे, पर ये काल हमारे समय को हरण नहीं कर सकता है। केवल एक उपाय है, भगवत कथा में अपना मन को उसमें डुबो दो। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का पहला कारण क्या है, केवल अपना भक्तों को ऊपर में वो अनुग्रह करने के लिए प्रभु जी इतने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ठाकुर जी लाए, ये एक पहला कारण है। क्या दूसरा कारण क्या, बोले दूसरा कारण बताए, बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्बन अहितुकी भक्ति इथम भूत गुणः। इसलिए भगवान बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लागी, कभी जो आत्मा में जो रमण करने वाले, जो ब्रह्म में जो डूबे होने वाले व्यक्ति, जैसे चतुसन, जैसे सुखदेव गोस्वामी, पहले सब ब्रह्म में डूबे हुए व्यक्ति थे, आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब भगवान की कथा को सुने, भगवान की महिमा को सुने, गुण चरित्र को सुने, उन्होंने वो आत्मा रामता को, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके कुर्बन अहित की भक्ति, फिर भगवान की भक्ति में, प्रभु की प्रेम रस में पूरा सराबर हो गए। इसलिए प्रभु ये मीठी मीठी लीला की अपना भक्तों को, ब्रह्म ज्ञानी और आत्मा राम को भी अपना भक्ति रसों में वो डुबो देना चाहते थे, इसलिए प्रभु जगत में अवतीर्ण हुए। बोले ये एक कारण है, कितना हो गया, गिन रहे इतने, कल मैं पूछूंगा। उसका तीसरा कारण बताए, क्यों भगवान जगत में प्रकट होते हैं, कहते इसका तीसरा कारण बताए, बोले पूर्व पूर्व जन्म में जिन लोगों का इच्छा ठाकुर जी पूरी नहीं कर पाए, जैसे जब चतुसन, कभी पहले चतुसन ब्रह्म ज्ञानी थे, कभी बैकुंठ से भगवान का चरण तुलसी और चंदन का जो सुगंध, कभी बैकुंठ से बहते हुए ये ब्रह्म लोक में पहुंचा, जब चतुसन की नासिका में प्रवेश किया, चंदन तुलस की इतने सुगंध था, उनको नाक में प्रवेश करते ही उनको तो पागल कर दिया। इतने में उनको पिताजी से पूछा, बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं, बोले बच्चों ये बैकुंठ से भगवान का चरण तुलसी, ये तुलसी और चंदन का खुशबू है, बोले जिनके चरण तुलस की इतने खुशबू है वो कितने खुशबनी होंगे, वो कितने मीठा नहीं होंगे। बोले हाँ बच्चे वो बड़े मीठे हैं। बोले गुरु पिताजी हम दर्शन करने जाए, बोले जाओ। जब वो दर्शन करने के लिए गए, हाँ इतने में वहां पर जय और विजय थे, उनका रास्ता को रोक लेते, बोले नहीं नंगे धनगे बिना पूछे हुए कहाँ जा रहे हो, 5 साल के हाँ पता नहीं प्रभु लक्ष्मी को साथ में पता नहीं क्या करते होंगे, बिना पूछे कहाँ जा रहे हो, रुक जाए यहाँ पर। इतने में उनका बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले हम चतुसन को, ये बैकुंठ है, बैकुंठ मतलब होता है जहां पर कोई कुंठा धर्म नहीं, जहां पर कोई डर भय और ये दुनिया से अतीत स्थान है। बोले भगवान को पास में जाने के लिए हम जैसे साधुओं को पूछना पड़ेगा, बोले तुम लोग बैकुंठ में रहने का अधिकारी है ही नहीं, जाओ तुम लोग राक्षस जन्म में चले जाओ। इसलिए वो सब के सब भगवान, फिर भगवान आते हैं, रो रहे थे, बोले क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसे, बोले कोई चिंता मत करो, मेरी लीला करने की इच्छा थी इसलिए मैंने ऐसे किया, बताओ अगर तुम भक्त बन करके जाओगे ना 7 जन्म में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो 3 जन्म में आओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम तो जल्दी से जल्दी वापस आना चाहते, बोले ठीक है जाओ राक्षस बन करके जाओ। इसलिए पहले जन्म में वो हिरणाक हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन करके आए, फिर राम उधार दिया उनको, फिर द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र बन करके आए, फिर उनको उधार करते हैं श्री कृष्ण, फिर वही, फिर जब कृष्ण कलयुग में राधा भाव और
उनको अंगदाते लेकर के फिर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, फिर वही फिर जगाई और माता ही बनकर गया। जगाई माता ही बनकर के उन्होंने उनकी दयालुता को उन्होंने प्रकाश किया है। महाप्रभु कितने दयालु, इसलिए उन्होंने सिर फोड़ दिए, शराब पिया करते। जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाते हैं, महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बोले, बोले सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश। बोले जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हरिया तारे देश। जाओ घर घर में जाओ, अपना झोली पे लाकर के भिक्षा मांगो। बोले क्या भिक्षा मांगो? बोलो बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। उन्होंने तीन चीज भिक्षा मांगने के लिए बोले, केवल यही तीन चीज को तुम लोगों ने भिक्षा मांगना। बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन कर तो कृष्ण भक्ति, शिक्षा करो तो केवल कृष्ण भक्ति को शिक्षा करो। हाँ यही चीज भिक्षा मांगो बस। बोले महाप्रभु का आदेश है हर व्यक्ति से मांगना। उन्होंने तो नहीं बताए जे युक्ति कड़ों को मत मांगो, शराब पी को मत मांगो, महाप्रभु का आदेश है सबको मांगो। हाँ चलो इनसे भी बोलते हैं, जगाई माधा है तो हाँ वो तो एकदम शराब पी करके गुंडा, नामी गुंडा थे, उनको देख करके लोग डरते थे। जिस रास्ता में शराब पीते थे वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते में जाते थे। बोले महाप्रभु का निर्देश है तो महाप्रभु का महिमा जगत में कैसे प्रकाश होगा। बस वहां पर जो बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब गए इतने में माधाई बोले हमें हरि नाम देने के लिए आए। फिर तो उठाया वो मटकी और मारी नित्यानंद प्रभु का सिर में, उनका सिर को फोड़ दिए। लेकिन महाप्रभु इतने दयालु, इतने दयालु। फिर जाकर के महाप्रभु खबर दिया, महाप्रभु सुन करके आए। जब देखा नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिए, महाप्रभु को तो क्रोध आ गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को उन्होंने बुलाया, सचमुच से सुदर्शन चक्र आ गया। जय माधाई देखा चक्र आ गया। इतने में फिर उन्होंने उनके चरण में माफी मांगी। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आपने स्वयं बताए कलयुग में आप कोई अस्त्र धारण नहीं करोगे, सबको हरिनाम देकर के सबके दिल में प्रेम देकर के सबको उद्धार करोगे, यदि आपने प्रतिज्ञा की है, पर ये चक्र को क्यों बुला रहे हो? प्रभु आप ये दोनों को उद्धार कर दो। महाप्रभु बोले तुमने जब इच्छा की इनको उद्धार हो करना चाहिए, इनको उद्धार हो गया। फिर माधाई ने नित्यानंद प्रभु के चरण में, महाप्रभु चरण में माफी मांगी। फिर उनको उन्होंने प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए जैसे कृष्ण अवतार में चक्र उठा लिया, राम अवतार में धनुष उठा लिया, पूरा लंका समेत ध्वंस कर दिया, लेकिन कलयुग में इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, बोले परम करुणा पोहो दुईजन दयाल निताई गौर चंद्र, परम करुणा पोहो दुईजन निताई गौर चंद्र, तारा सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार, सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, तारा केवल आनंद कंद, भज भज भाई चैतन्य नितार सुदृढ़ विश्वास करी, भज भज भाई चैतन्य नितार सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया तेरा से माजिया, विषय छाड़िया तेरा से माजिया मुखे बोलो हरि हरि, एक बार मुखे बोलो हरि हरि, देखो रे भाई त्रिभुवन नाय हे मन दयाल दाता, आ पशु पाकी जोरे पाषाण भी दरे, पशु पाकी जोरे
आपन करम भुंजाए समना अपन करम भुंजाए समना कहे लोचना दाता कहे लोचना दाता परम करुणा तुमो दुर्जन पिताइ गौरव संत। इसलिए श्री लोचन दास कहते हैं बोले परम करुणा पुहु दुई जना दयाल निता ही गौर चंद्र, कहते इनके जैसे दयाल जगत में कोई है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। बोले पशु पाती जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाता, जिनकी गुण महिमा सुन करके पशु पक्षी भी। इसलिए ऐसे कोई अवतार हुए जो पशु पक्षियों को भी नाम दिया। इसलिए महाप्रभु जब झाड़ी खंड पथ में जा रहे थे, देखा शेर सोया हुआ, चरण में ठोकर मार के बोल बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शेर भी नाच उठा है। देखा थोड़ी दूर जाकर के हाथी है, महाप्रभु उठाया पानी और हाथी को ऊपर हरे कृष्णा बोलते बोले पानी उसके ऊपर छिड़काव कर दिया। हाथी तो सूंड उठा करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पशु पक्षी सबको महाप्रभु, एक महाप्रभु ऐसे अवतार हुए जो कि पशु पक्षी कीड़े मकड़े तक भी उन्होंने ये हरि नाम प्रदान किया, केवल एक महाप्रभु। देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल था, त्रिभुवन में इतने दयाल कोई है ही नहीं। हाँ ऐसे कोई दयाल नहीं है जिनकी गुण महिमा सुन करके पत्थर भी द्रवीभूत हो गया। ये गोपियां गई थी, हम लोग गए थे ना, देखा रथ यात्रा में गए थे ना तुम दोनों, इसलिए अलारनाथ गए थे, हम देखे होंगे जहां पर महाप्रभु लेट हुए थे ना और पत्थर पे बैठा, जहां महाप्रभु लेट हुए तो पत्थर के ऊपर में पूरा महाप्रभु का छाती सिर उनका हाथ पैर अभी भी जिस पत्थर के ऊपर में महाप्रभु लेट हुए थे सारे चिन्ह उसको ऊपर पड़ा हुआ है। हैं इसलिए जगन्नाथ मंदिर में गए, घुसने दिया कि नहीं जगन्नाथ मंदिर में। हाँ अब जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु ऐसे दीवार में हाथ रख करके दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते जो तीन अंगुल था ना वो एकदम पत्थर के ऊपर में तीन अंगुल चिन्ह आ गया, और महाप्रभु जहाँ खड़े हुए थे इतने बड़े बड़े महाप्रभु का इतने बड़े बड़े चरण अभी भी वहां पर है। इसलिए महाप्रभु की कथा सुन करके कर जहाँ पत्थर भी दाम पर पिघल गया। इसलिए कहते हैं पत्थर तो पिघल गया लेकिन हमारा दिल इतने पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अभी हमारा दिल कृष्ण कथा में कृष्ण भक्ति से अभी हमारा दिल कोई पिघल नहीं रहा है। इसलिए हमारे भक्त लोग कह रहे हैं हाँ कहते पत्थर अगर होता ना वो भी पिघल जाता, लेकिन हमारे हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, अभी भी द्रवीभूत नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु इतने दयालु इतने कृपालु। इसलिए कह रहे हैं दयाल नीताय चैतन्य बोली नाचरे अमार मन, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमार मन, 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 हे मन दयाल तनाई है मार के प्रेम दे, दयाल तनाई है मार के बोलो अपराध दूर जावे पावे प्रेम का, अपराध दूर जावे पावे प्रेम का, दयाल नीताय चैतन्य नाचरे अमार मन, दयाल नीताय चैतन्य हो नामे अपराध विचारत नहीं, हो नामे अपराध विचारत
इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कब ऐसे दिन आए जहाँ नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम को लेकर के मेरा मन नाच उठे। हाँ बोले क्यों? बोले मन दयाल तो ना ये मार है प्रेम दे। हाँ ऐसे दयाल देखियो जो मार खाकर भी प्रेम देते हैं। रामचंद्र उन्होंने क्या किया, रावण सीता को उठाकर ले गया, लंका समेत खत्म। कृष्ण ने थोड़ी सी शिशुपाल दंत पकड़ थोड़ी गाली दे दिया, उससे उन्होंने चक्र उठा लिया पूरा का पूरा। हैं अगास बकास त्रिणावर्त, थोड़ी सी कुछ अपराध हो गया खत्म कर दिए। लेकिन देखो ये कितने दयालु है, सिर भी फोड़ दिए। हैं इनका सिर भी फोड़ दिए। कहते हैं बंगला में कहावत है, बोले मेरे छी कल सिर खाना ताई बोली की प्रेम भी बना। बोले भले ही तुमने मटकी मारकर मेरे सिर फोड़ दिया, इसलिए क्या तेरे को हम प्रेम नहीं देंगे? कोई चिंता मत करो, एक बार महाप्रभु का नाम, एक बार महाप्रभु का नाम लो। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। इसलिए जगत में क्यों आए प्रभु, कितना कारण हुआ गिन रहे। इसलिए तीन कारण हो गया, तीन कारण हो गया क्यों आए, तीन हुआ ना कितना हुआ, तीन कारण हो गया क्यों महाप्रभु आए। बोले चौदह कारण क्या है, बोले चौदह कारण है इंद्र ने, जब उन्होंने एकदम ब्रज में प्रलय ले आया, जब कृष्ण ने, हाँ कृष्ण ने बोला ये इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, ये गिरिराज गोवर्धन नहीं हमारे ब्रज का ही साक्षात, ये ब्रज का अधिष्ठात्री देवता, इनकी कृपा से ही हम ब्रजवास कर रहे हैं। हाँ जितने लता पता फूल फल तो गोवर्धन से मिलता है। हाँ गैया को घास कहाँ मिलते हैं, बोले गोवर्धन से। घास खाते हैं दूध देते हैं, दूध से मक्खन राबड़ी सब कुछ हम तो खाते हैं, इसलिए हमारा पालक कौन है, बोले से गिरिराज गोवर्धन है। इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गो मतलब गोपी, गो मतलब गैया, गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब भेद, गो मतलब ब्रजवासी। वर्धन मतलब होता है जो सबको जो बढ़ाने वाले, सबको जो पालन करने वाले, बोले कौन है, बोले से गिरिराज बाबा है, गिरिराज गोवर्धन है। बोले पूजा करना तो ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। हाँ इसलिए जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, बस हर साल उनके लिए बढ़िया बढ़िया मालपुआ, लेडीगिन चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पिज्जा, पास्ता और टफू और कड़ी चावल, इसलिए उनके लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनता था। हाँ उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनता था। अगर आपके लिए आप बहुत भूखे हो, साल एक साल से आप इंतजार कर रहे हो, भैया एक साल में एक बार हमें चकाचक भोजन मिलेगा, अगर वो भोजन तुम्हारे नाम पर जो बने अगर उसको और किसको खिला दो फिर क्या होगा बताओ, आप गुस्सा नहीं आएगी, गुस्सा आएगी कि नहीं? इसलिए इंद्र ने देखा एक साल से इंतजार कर रहा हूँ चकाचक भोजन मिलेगा और मैं भूखा बैठा हूँ, और मेरे लिए जितना खाना बनाया उन्होंने क्या किया, सी गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने, बोले गिरिराज गोवर्धन को दे दिया, पूरा प्रलय मचा दूंगा, क्या सोचते हैं। इसलिए इंद्र ने संवर्तक में पवन का आदेश दिया, ऐसे प्रलय ले आओ पूरा ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। उन्होंने पूरा अपना जी जान को उन्होंने लगा दी पूरा। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्हें उठा लिया, बोले ब्रजवासी कोई चिंता मत करो, हम सबके सब गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है, ये गिरिराज गोवर्धन हमारे राज बचाएगा, चलो सबके सब गिरिराज तलेट में जाते हैं। बस कृष्ण ने क्या किया, बाम हाथ है और सबसे कनिष्ठ अंगुली, नख को ऊपर में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया।
बोले श्री गिरिराज महाराज की, पूरा गिरिराज उठा लिया। बोले कोई चिंता मत करो, सब के सब गिरिराज क्वालिटी में आ जाओ, इसको नीचे सब के सब आश्रय ले लो। हाँ, इसलिए गिरिराज सबको उन्होंने आश्रय दिया। इंद्र को जो पता चला, हाँ, इंद्र एक व्यक्ति को भेजा, बोले भाई देख कर क्या, तो मैंने 7 दिन तक पूरा अपना जी जान वज्रपात शिला वृष्टि ओले सब कुछ मैंने कर दिया, देख कर क्या हो रहा है। एक दूत आया, वो केवल ऊपर ऊपर से देख कर गया। बोले महाराज इंद्र व्रत में एक चिट्ठी तक भी नहीं, एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। इंद्र और एक को भेजा, बोले भैया तू देख रहे क्या ये ब्रज में क्या हो रहा है। वो तो ऊपर ऊपर देख गया था, और उस दूसरा ने नीचे आया, नीचे आकर के देखा तो एक चिट्ठी भी मरे नहीं, वहां पर धूल उड़ रहा था। इंद्र सोच रहा था कोई विपत्ति आ गया होगा। बोले विपत्ति नहीं, कृष्ण तो ब्रजवासियों के साथ में बड़े आनंद पूर्वक तो उत्सव मच रहा था वहां पर। कृष्ण की यही इच्छा थी 7-7 दिन तक ये ब्रजवासियों के साथ में वे उत्सव मनाओ। देखा तो उत्सव मन रहे हैं, बढ़िया सुंदर म्यूजिक बज रहा है, ढोली बिंगदास और सितारा गिटार बज रहे हैं, सबके सब आनंद गमा के कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। बोले श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो, तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री माथे मुकट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो, श्री गिरिराज महाराज की। देखा वहां पर तो उत्सव हो रहा था, वो तो आनंद ले रहे थे सबके सब ब्रजवासी। जब वो वापस गया, इंद्र ने पूछा ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रज का सत्यानाश, तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या, बोले मतलब क्या, तो जिसको साधारण बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो विशाल गिरिराज गोवर्धन को उठा कर रख दिया। बा हम कहते ना, अरे मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते हैं। बोले उल्टा हाथ नहीं, कर सबसे जो छोटे अंगुली, बोले सबसे छोटे अंगुली नहीं, नख को ऊपर उन्होंने गिरिराज उठा लिया। हाँ, नख को ऊपर उन्होंने उठा लिया, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे कृष्ण का पराक्रम किया है। हाँ, 7 साल का बच्चा 7 क्रॉस गिरिराज, और उन्हें 7 दिन तक उन्हें धारण कर लिया। इसलिए इंद्र को जो पता चला है भगवान ये कौन है, ये है कौन, फिर तो उसको पता चला है भगवान ये तो मेरे प्रभु है, ये तो मेरे प्रभु जिसने कृपा करके ये बलि महाराज ने तो मेरे इंद्रपद को छीन लिया था, इन्होंने ही कृपा करके वामन अवतार में ये इंद्रपद मेरे को वापस इन्होंने दिया, ये तो साधारण नहीं। फिर इंद्र गया विश्राम करने के लिए अमरावती में, जहां विश्राम अपना इंद्राणी को साथ में विश्राम करता है, उसको डर के मारे नींद नहीं आई, छटपट छटपट करने लग गया, मतलब इंद्र बल गया भाई, वो नींद ही नहीं आई। फिर वो जाता है गुरु जी के पास में, बृहस्पति के पास में, गुरु जी मेरी अपराध हो गया। बोले क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसे बात है, मैं तो सोच रहा था कि बालक होगा, ये तो मेरे प्रभु गुरुदेव मेरे इंद्र बल गया, आप ही गुरुदेव बचा सकते हो। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर, बोले चलो हम ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं, वो पितामह है, वो कुछ कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास में गए, सारी बात सुना, बोले हे भगवान तुमने सर्वनाश कर दी, सर्वनाश कर दिया, मैं भी कुछ दिन पहले फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कृष्णा एक दिन सखाओं के साथ में गैया चराते साथ कलवा कर रहे थे, और मैंने सोचा कोई साधारण बालक होगा, और मैंने उनके बछड़े और उन सखाओ को मैंने चुरा लिया। चुरा करके जो मेरे ब्रह्मलोक में पहुंचा ना, मैं पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए, और मेरे से पहले वहां पहुंच गए, और मेरे जो धरवान थे, बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए मैंने देखा है।
मेरे बहुत क्या समझते हो ना, रूप अपना ब्रह्मा का जैसे रूप धारण करते हुए कुछ लोग मेरे जैसे रूप धारण करते हुए घूमते हुए देखा, मैं अंदर में जा रहा हूँ, अगर मेरे जैसे कोई आए ना घुसने मत देना। कृष्ण ब्रह्मा बनकर बैठे, और जब आप ब्रह्मा खुद वहां पर पहुंचे ना, उनका जो दरबार थे डंडे लेकर बुलाए उनको, बोले हमारा प्रभु सही बता रहे थे, उनके जैसे बहु रुपया, ये तुम कहां से आ गए, प्रभु तो अंदर में। ब्रह्मा का जो नौकर थे ना, ब्रह्मा को डंडा मार के भगाई वहां से। ब्रह्मा बोले हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे नौकर मेरे को भगा रहे हैं। हाँ फिर ब्रह्मा थोड़ा डरता था, मैंने गड़बड़ी कुछ करके आया है। फिर ब्रह्मा वहां से वापस आए और आते जाते यहाँ एक साल हो गया। फिर देखा एक साल पहले कृष्ण जैसे सखा बच्चों को साथ में जैसे लीला कर रहे थे वैसे लीला कर रहे हैं। फिर तो चक्कर में पड़ेगी, भाई ये क्या, मैं तो उनको छुपा दिया दूसरे जगह पर, कृष्ण क्या ले आए। फिर देखने के लिए गया, नहीं वो जैसे को वैसे वो वैसे ही। फिर तो ब्रह्मा चक्र ये क्या देख रहा हूं। इतने में ब्रह्मा जब दोनों तरफ में चार सी उधर दो और इधर दो, जब दोनों तरफ में देखा कृष्ण दिखाया, देखो ये कौन है सबके सब। फिर देखा आप ब्रह्म स्तंभ जितने सखा और बछड़े सबके सब चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी। हाँ ब्रह्मा तो चक्र में पड़ गया। ब्रह्मा जी को पता केवल एक नारायण का नाभि कमल से मेरा सृष्टि, मैं जानता हूँ नारायण केवल एक है, लेकिन यहाँ तो अनंत करोड़ नारायण देख रहा हूँ, नारायण नारायण। फिर समझ गया ये तो मेरे पिताजी की पिताजी की ये पिता है। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन के ऊपर जो बैठा हुआ उन्हें छलांग लगाई, उसको पता चल गया ये साधारण नहीं, मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी है। सीधा कृष्ण के चरण में पूरा लेट गए, हाँ लेट करके अपना आंखों का आंसुओं से भगवान का चरण का अभिषेक किया। फिर ब्रह्मा जी ने देखा उनको चार सिर है, देखा केवल एक अंग ये ब्रज रज में अभिषिक्त हो रहा है, ब्रज रज को केवल एक अंग ही टच कर रहा है एक सिर, लेकिन और भी तीन चार सिर पीछे आगे भी तो, मतलब मेरे संपूर्ण शरीर ये ब्रज रज में संपूर्ण अभिषिक्त हो जाए। फिर तो ब्रज रज में लौट पोट खाने लगे, लौट पोट खाने लगे, मेरे जीवन धन्य हो जाए, ये ब्रजवासियों का चरण तुमको पा कर। फिर ब्रह्मा जी आंख को मलते 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 खड़े होते हैं, फिर ब्रह्मा जी को स्तुति करते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति श्लोक में उन्होंने स्तुति की, स्तुति करके उन्होंने माफी मांगी, लेकिन भगवान दिल से माफी नहीं किया। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे ना, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक से स्तुति कर रहे थे, लेकिन देखा भगवान तो एक सखा को गले पर ऐसी कलमनियां दिए हुए और एक कमल पुष्प को लेकर घुमा रहे थे, और जो सखा लोग थे ना कृष्ण की ब्रह्मा जी को खिली उड़ा रहे थे, खिली उड़ा रहे थे, उनको जोकिंग कर रहे थे, बोली कहाँ से आ गया चार सिर वाला, ये कहाँ से अद्भुत एक प्राणी कहाँ से आ गया। कृष्ण ध्यान ही नहीं दे रहे थे कृष्ण उसको तरफ में। हाँ इतने में ब्रह्मा जी ने देखा, अभी तक तो मैंने कृष्ण का स्तुति करके देखा कृष्ण खुश नहीं हो रहे हैं, मैं थोड़ी उनका भक्तों को थोड़ा ब्रजवासियों को स्तुति करके देखता हूँ ये खुश होते कि नहीं। फिर उन्होंने ब्रजवासियों को उन्होंने स्तुति करते हैं, बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। फिर उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति किया, हाँ ब्रजवासियों को बोले ये ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताएं, इसलिए यहाँ पर दो बार अहो अहो। हाँ जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, बड़ा आश्चर्य चीज देखे तो भैया क्या आश्चर्य है, क्या सरप्राइज बोलते है ना, ऐसे उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को उन्होंने देख करके बोले भैया इनकी महिमा तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बोले कृष्ण कौन है, बोले ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी लेकिन उन्हें क्या बन गए,
ब्रज में किसकी सखा बनी थी? कन्या जब जाते ना जंगल में, अगर कोई सखा को कोई एक फल मिलता है, पहले एक बार खा लेता है, बोले कन्या फल बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा फल है। एक सखा बोले सारे तो अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे, वो चपट करके उसको खा लेता है। उसको खाने के बाद और एक सखा कहता है, बोले तू अकेला खाएगा, मुझे नहीं दोगे, उसको चपट करके वो भी खा लेता है। खाते खाते जब कृष्ण के पास में पहुंचते ना, जैसे कोई आपेल आपेल मिल गया, सबका खा लिया, लेकिन बीच का जो डंठल रह गया, लास्ट में कृष्ण के पास वही पहुंचता है और कृष्ण उसको खा कर कहते हैं, वाह बड़ा मीठा है। पूर्ण ब्रह्म सनातन है, लेकिन ये ब्रजवासियों के प्रेम में भगवान इतने बसभूत हो गए। हाँ, इनका छुटन खा करके श्रद्धा के साथ में कभी लड़ाई होता है, हाँ? लड़ाई में कृष्ण को पछाड़ देते हैं और कृष्ण हार करके खुश होते, जीत करके खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान का स्वभाव है भक्तों को बड़ाई करना। भगवान की ये स्वभाव है, अपना हार करके प्रभु खुश होते, जीत करके खुश नहीं होते, हाँ? हार करके श्रद्धा कन्या तो हार गया घोड़ा पर, बस कृष्ण घोड़ा बनते हैं और उसको कंधे पर बैठ करके भगवान के कंधे पर बैठा कर चल, जैसे घोड़े हम भगाते ना कन्या, उनको घोड़े घोड़े बन कर जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये क्या ऐसे पुण्य किया है, जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन है इनकी सखा बन गए। और कन्या को भी उल्टा सीधा करते, मक्खन खा ले मैया, कान मोल देती है, उखल में बांध देती है मैया, बोले उन्होंने क्या पुण्य की है, विश्व ब्रह्मांड जिनको अपना माया के द्वारा बांध करके रखे, लेकिन वो स्वयं माँ के प्रेम में बंध जाते हैं, क्या उन्होंने पुण्य किया है, हाँ? मतलब गोपियों ने ऐसे क्या पुण्य किया जिसको साथ में भगवान ये रास रचाते हैं। कृष्ण स्वयं गोपियों के प्रेम में बसीभूत होकर कृष्ण क्या कहते हैं, बोले गोपियां नफा रहे, मैं कभी तुम्हारी प्रेम को ऋणी को कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा, अगर ब्रह्मा जैसे परमायु पाने पर भी तुम्हारे ऋणी को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा गोपियां। इसलिए ब्रह्मा जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की ना, गोपियों की महिमा सखाओं की महिमा, इतने में कृष्ण था मुस्कुराए त्रास जी। फिर ब्रह्मा जी को पता चला, भैया कृष्ण का कमजोर कहां पर, समझ रहे हो? कमजोर मतलब अगर भगवान को खुश करना चाहते हो, भगवान कैसे खुश कर सकते हो? कृष्ण सिखा देते हैं, मेरी सेवा से मेरी भक्ति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर कोई मेरे भक्तों का अगर सेवा करे, मेरे भक्तों को अगर भक्ति करे, तो उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब देखा, मैंने तो इतना स्तुति की, लेकिन खुश ठाकुर जी दिल से खुश नहीं हुए, हाँ? दिल से खुश नहीं हुए। पर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, पर ब्रह्मा जी महाप्रभु जब आते हैं और हरिदास ठाकुर बन करके आते हैं, हाँ? देखा तो अभी तो हमने खुश नहीं कर पाए ठाकुर जी को, मैंने प्रसन्न नहीं कर पाए, इसलिए मैं कलयुग में उन्होंने देखा, कलयुग में यही कृष्णा अभी तो तीन जगह से टेढ़े है, इसलिए कृष्ण भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है, कृष्ण भक्ति भी टेढ़ी है और काले हैं, लेकिन हमारे जो राधा रानी गोरी है, महाप्रभु गोरे हैं और सीधे हैं, हाँ? और कलयुग में यही कृष्ण ही राधा जी के भाव और अंगकार को लेकर के श्री कलयुग में जन्म ग्रहण करने वाले और इतने दयालु इतने कृपालु बनेंगे। बोले भैया कोई कन्या तो टेढ़े है, कोई टेढ़ा ही तो महाप्रभु बन करके आए ना, वही तो, लेकिन महाप्रभु अवतार में वो इतने दयालु कैसे हो गए, इतने कृपालु कैसे हो गए? बोले कारण है और राधा जी के भाव और अंगकांति को लेकर के आए, और हमारी राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, श्री राधा रानी से बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सन का सनातन वर्णित चरिते। राधा रानी बोले करुणा अमृत वाहिनी, राधा रानी करुणा की अमृत की धारा है, हाँ? इसलिए राधा शब्द को उल्टा तो क्या हो जाता है, राधा शब्द को उल्टा हो क्या होगा, क्या बनेगा, धारा। यू डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए सोच रही थी इसलिए राधा शब्द को उल्टा तो हो जाता है धारा, मतलब राधा नहीं, ये कृष्ण भक्ति रस की ये धारा है श्रीमती राधा रानी,
हाँ, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, इसलिए वही कृष्ण जब कलयुग में महाप्रभु बन करके आते हैं वो बड़े दयालु बड़े कृपालु बन करके आते हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने देखा कम से कम ये अवतार में तो खुश कर ही नहीं पाया, लेकिन महाप्रभु अवतार में वो बड़े दयालु बनेंगे। बोले कृष्ण प्रेम आयस जार दूर दर्शने, केवल उनको दूर से एक बार केवल दर्शन कर ले, महाप्रभु केवल दूर से दर्शन कर ले, बस कृष्ण प्रेम आ जाता है। जैसे कृष्ण अवतार में जिन जिन्होंने अपराध की है, जब माफी मांगने के लिए आए, कृष्ण को पता है वही व्यक्ति आया ना, इसे कृष्ण को याद है, लेकिन महाप्रभु अवतार में किसी चीज को वो याद नहीं करेंगे। इसलिए अब महाप्रभु का कहीं रूप देखो, कहीं महाप्रभु का रूप है, हाँ देखो अब महाप्रभु कहीं भी देखो, यहाँ पर कहीं भी महाप्रभु का रूप देखना, आप उनका जो पोज देखना, उनका ध्यान नहीं है, उनका पोज देखना, संपूर्ण कृष्ण प्रेम है, राधा वही राधा है, वो संपूर्ण कृष्ण प्रेम में एकदम विभोर है। हा कृष्ण हा कृष्ण, हाँ उनको कोई ध्यान नहीं है, उनकी इस जगत का कोई ध्यान नहीं है उनकी, इसलिए बड़े दयालु है, बड़ी कृपालु है। हाँ, इसलिए उन्होंने फिर महाप्रभु लीला में ब्रह्मा जी के नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन करके आते हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर बन करके बोले अभी मैं ब्रह्मा बन गया था ना, पितामह ब्रह्मा, सबसे बड़ा पोस्ट है दुनिया में, सबसे जो बड़ा पोस्ट ना ब्रह्मा जी का पोस्ट सबसे बड़ा, क्योंकि भूर्भुव मोह जन तप सत्य है, सत्य लोग सबसे ऊंचाई, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा पोस्ट है पूर्ण ब्रह्मांड में, हाँ सबसे जो बड़ा पोस्ट है ये ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी के अधीन में ये जगत में जितने सारे देवता इंद्र भी वरुण भी ये सब के सब ब्रह्मा जी के अधीन में रहते हैं, इसलिए सबसे जो बड़ा पोस्ट ब्रह्मा जी का पोस्ट है। हेलो, इसलिए बोलते ना प्रभुता पाई का बदना है, उसने बताए ना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुता पाई का बदना है, इसका मतलब ये पोस्ट ऐसे की चीज है, वो कह रहे प्रभुता मतलब पोस्ट ऐसे की चीज है, अगर जिसको मिल जाए ना, बोले का मदनानी, जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसको ये पोस्ट का पद मिलने पर घमंड नहीं आ जाते, मद मतलब मतता, अभिमान नहीं आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा ठाकुर ने ब्रह्मा बना दिया ना, इतना बड़ा पोस्ट दे दिया ना, इसलिए मेरे अंदर में इतने अभिमान आ गया, अभी ये पोस्ट लेकर नहीं आऊंगा, अभी सबसे छोटे वर्ग का आऊंगा। इसलिए महाप्रभु लीला में वो हरिदास ठाकुर बन करके आते हैं। हाँ, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर का तो मुसलमान कुल में आए, इसलिए वहां पर बताए मुसलमान कुल में करके आए, निकृष्ट जाति में वो आए हैं, वो आने का नाते बड़ा दीन बन करके, हाँ जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते हैं, हाँ किसी मंदिर में नहीं जाते, बड़े दीनहीन बन करके दिन भर माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए बोले त्रिनादपि सुनुचेना तररपि सहिष्णुना अमानिनांग मानवेना कीर्तनीय सदा। इसलिए त्रिन से अधिक दीन होकर के पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बन करके सबको मान दो, खुद मान की इच्छा मत करो, कहते अगर ये चार गुण अगर हमारे अंदर में आ गया तो कीर्तनीय सदा ही, फिर तो हर समय हम कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो कीर्तन करना बड़ा कठिन है, कीर्तन करना बड़ा कठिन है, ये चार गुण में हमें गुणी बनना पड़ेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर बन करके महाप्रभु को बड़ी सेवा की, महाप्रभु की बड़ी सेवा की। इसलिए कहते अगर जीवन में किसको भक्ति करना है, कहते जो आदर्श है हरिदास ठाकुर, मतलब इनके आदर्श को ग्रहण करो, इनके आदर्श को लिए बगैर भजन कर ही नहीं सकते आप, देखना। हाँ, इसलिए बोले सत्यम सत्यन विज्ञानानी, अगर आप सच बोलो आपको सब विपत्ति है, अगर आप तपस्या करो उसमें हजार विपत्ति है, लेकिन प्रभु की भक्ति करने जाओ, हर पल पल में विपत्ति, हर पल पल में विपत्ति है, आप कोई गंदा काम करो आप कोई भूल गया, लेकिन तिलक लगा लो गला में कैंटी थोड़ा नाम जब तक बोलिए कौन सा बीमारी लगी तुम ये कौन सा बीमारी ये क्या है, हाँ ये कंटिन्यू पहन लिया ये तो लड़ा किया, हाँ आप देखना एक गाँव के कुत्ता तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा,
सब आपको पीछे पड़ जाए, लेकिन गंदे काम में जाओ, चोरी डाकू बदमाशी कोई भी गंदे काम, शराब फराब सारे गंदे काम, आपको कोई बोलने वाले नहीं होगा, लेकिन भक्ति करो तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे हमें हरिदास ठाकुर का आदर्श को लेकर हमें भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, तब जीवन में हम भक्ति कर सकते। इसलिए महाप्रभु क्यों आए हरिदास ठाकुर को उद्धार करने के लिए, उन्होंने जो हरिदास ठाकुर बन करके आए उनको कल्याण करने के लिए आए। ये तो ब्रह्मा, पर इंद्र, पर इंद्र ने देखा है, पर इंद्र पर सुरभिगादि के अनुगत्य में ब्रह्मा जी ने बोले देखो उनका नाम गोपाल है, हाँ वो गोपाल है, गैया को पालन करने वाले। बोले नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण को हित करने वाले प्रभु कृष्ण है, इसलिए गैया उनको इष्ट है। जो मूल जो गैया ये सुरभिगादि, चलो ये सुरभिगादि के अनुगत्य में अगर जाएंगे हो सकता है कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। फिर सुरभिगामी के अनुगत्य में फिर कृष्ण को शरण में आते हैं। फिर कृष्ण इंद्र को बड़ा डांट लगाते, बोले इंद्र तेरा बड़ा अभिमान घमंड हो गया था तेरा, तू सोच रहा था स्वर्ग का राजा तुम बन गए हो और ये ब्रजवासी तेरी प्रजा बन गए, तुम्हें पता ही ब्रजवासी है कौन। नंद बाबा अगर बोलता कन्हैया लाला मेरा तेरा जूती ले आओगे, कन्हैया ठुमक 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 चलते थे और नंद बाबा का जूती हाथ में नहीं उनका सिर पर रख करके ठुमक ठुमक करके गिरते पड़ते हुए ले आते थे। नंद बाबा सोचे देखो मेरे कितने अच्छे लाला है, मैं बोला लाला मेरे खड़ा ले आओ हाथ में नहीं सिर पर लेकर के आए, हाँ सिर पर लाए, लाला जो बड़ा होगा ना बड़े सेवा करेगा। हर पिता माता यही तो इच्छा रखते हैं बुढ़ापा में बच्चे हमारी सेवा करे। इसलिए जिनकी जुत्ती में स्वयं सिर पर धारण करता हूँ, जिन गोपियों की राधा जी के चरण की धूल धारण करता हूँ, हाँ जिनकी मैं सेवा स्वयं करता हूँ ब्रजवासियों का, और तुम्हारे अभिमान है हम इनका राजा, इसको प्रजा तुम्हारी है, तुम्हें पता नहीं ये ब्रजवासी कौन है, कहते वृंदावन का जो एक धूल है वो एक धूल में इतने शक्ति तेरे जैसे कितने इंद्र को प्रकट सृष्टि कर सकते हैं, तुम्हें पता नहीं ये ब्रजधाम क्या धाम से वृंदावन धाम, इसलिए तेरे अभिमान को मैं नाश करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा खबरदार अभिमान नहीं करना। इसलिए भगवान बोले मैं जिसको पर भी कृपा करता हूँ जैसे अनुग्रह नाम हरि से तब धन देखो कृष्ण पर पूरा कठिन होती है। भगवान कहते हैं जिस जो मेरे आश करता है ना उसका मैं सर्वनाश कर देता हूँ, समझ रहे हो, जो मेरे आश करता है जेकर हमारा आस्तार करी सर्वनाश, जो मेरा चरण का आश्रय लेता है मैं पहले उसको परीखा लेता हूँ, उसको ठोक पीट करके अच्छी तरह से उसको परीखा लेता हूँ, इसलिए जो मेरा आश करता है उसको मैं सर्वनाश करता हूँ। लेकिन तब भी अगर मेरे आश नहीं छोड़ता है, मैं कष्ट देता हूँ परीखा करता हूँ, लेकिन तब भी अगर मेरे आश को नहीं छोड़ता है फिर मैं उसको अपना दासों का दास होना देता हूँ, फिर उनको मैं अपना दासों का दास, इसलिए भगवान कभी थोड़ी थोड़ी परीखा लेते हैं। हाँ देखना भक्ति जगत में बड़ी बड़ी लहरी बड़ी बड़ी तूफान आंधी तूफान आती है भक्ति जगत में, लेकिन भगवान की भक्ति हमें नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही सारा दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु की भक्ति हमारी नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी इंद्र को बड़े शासन किया, फिर इंद्र ने देखा कृष्ण मेरे को तिल से मेरे को माफ नहीं किया, कृष्ण हृदय से मेरे को माफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने फिर देखा अपना दिव्य दृष्टि से फिर देखा। हाँ क्या देखा, कलयुग आने पर यही कृष्ण फिर राधा जी की भाव अंग कांतियों को लेकर के श्री नवद्वीप धाम में जन्म लेंगे, श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण करेंगे, उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ पर नवद्वीप परिक्रमा गए हो, हाँ हम लोग जाते हैं ना एक वहां पर हम जाते हैं वो गोद्रुम, हम लोग याद होगा गोद्रुम जाते हैं ना नवद्वीप धाम परिक्रमा में, हमारे गोद्रुम द्वीप जो होता है गोद्रुम द्वीप में वहां पर बैठे रहे हम कथा सुनते हैं, पहले वहीं पर ब्रह्मा ये इंद्र जी फिर सुरभिगादि की अनुगत्य में वहीं पर उन्होंने भजन किया, हाँ वहीं पर भजन करते हुए फिर अपना जो नवद्वीप धाम है कभी ये सारे अपराध को दूर करने वाला,
हाँ, अगर कृष्ण भक्ति में हमारे अपराध हो फिर भक्ति बढ़ नहीं पाती है, भक्ति बढ़ नहीं पाती है। लेकिन जो नवद्वीप धाम को जो आश्रय ग्रहण करता है, नवद्वीप का आश्रय करते हुए जो भजन करता है, उनके सारी अपराध दूर हो जाते हैं, सारे अपराध से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो सुरभि जो कुंज है उसको सुरभि कुंज कहते हैं। वहां पर जाने पर जैसे इंद्र का सारे अपराध दूर हो गया था, वहां पर कोई जाए कथा सुने, वहां पर बैठे, वहां का धूल को शरीर पर लगाए, हमारे जो जन्म जन्मांतर का जो अपराध है सारे अपराध हमारी दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग जब महामंत्र जप करते हैं, नियम है महामंत्र जप करने से पहले माला में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद ये नाम को लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये एक कारण है क्यों कलयुग में चैतन्य महाप्रभु रूप में क्यों आए। इसमें दो कारण बताया, एक इंद्र का अपराध और एक अपराध किसका है, ब्रह्मा का। ये दोनों अपराध से इनको मुक्त कराने के लिए कलयुग में श्री मन चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं, ये भी एक कारण है। और होता है बोले जदा जधाई धर्मस्य ग्लानीर भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोले हे अर्जुन, जब जब जगत में हाँ अधर्म धीरे 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 अधर्म बढ़ने लग जाते हैं, धर्म की हानि होने लगता है, तब तक मैं इस जगत में जन्म ग्रहण करके धर्म को रक्षा करता हूँ और अधर्म को विनाश करता हूँ। और परित्राणाय साधूनां, अब साधुओं को परित्राण करता हूँ। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं बोले साधुओं को क्या परित्राण ठाकुर करेंगे, साधु हर समय पवित्र है, जो साधु है उनको परित्राण क्या करेंगे, साधु हर समय पवित्र है। बोले संत साधु इतने पवित्र है बोले तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी सांतोस्तेन कदावृतम्। भक्त लोग तो अपना हृदय में भगवान को धारण करते हैं, भगवत हृदय में धारण करने के नाते जो साधुओं को जो दिखाई पड़ता है वो तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। बोले तीर्थ में स्नान नहीं करने जाते हैं, वो तीर्थों को तीर्थत्व तो प्रदान करने जाते हैं, क्योंकि तीर्थ में जो पापी लोग आकर के स्नान करते हैं वो पाप की बोझ से वो तीर्थ अपवित्र हो जाती है। लेकिन संतों में इतने पवित्रता, संतों में इतने पवित्रता, जब संत जब भक्त जब स्नान करते हुए जब चरण स्पर्श होता है पानी में, कभी तीर्थ का सारे पाप को खींच लेते हैं, सारे पाप को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए शंकर जी जिस समय से शंकर जी अभी गंगा को भगीरथ ने गंगा को लाएगा है, गंगा को भगीरथ लाएगा, अभी गंगा बोली मैं तो आ सकती हूँ लेकिन मेरे पास में दो समस्या है। बोले पहला समस्या है इतने दूर से मैं आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करे, ये पहला समस्या। दूसरी समस्या है जो पापी लोग आकर के गंगा में स्नान करेंगे वो पाप से मुझे को मुक्ति कैसे मिलेगी, ये मेरे दो समस्या है। समझ रहे हो क्या मेरे पास, तुम समझ रहे कि नहीं, हिंदी समझते हो हाँ। इसीलिए कहते मेरे पास में ये दो समस्या, पहले दो समस्या को हल करो। तब उन्होंने पहला समस्या शंकर जी बोले गंगा को मैं धारण कर लूंगा, शंकर जी को प्रसन्न किया बोले गंगा को मैं धारण कर लूंगा, भगवान का चरणामृत है अहो भाग्य है, ठाकुर जी चरणामृत है, कितने भाग्य से चरणामृत मिलता है। इसलिए शंकर जी अपना जटाव में धारण कर लिया। तो दूसरी समस्या जो पापी लोग स्नान करेंगे उनका पाप से फिर मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले देखो जैसे बड़े बड़े पापी उसमें स्नान करेंगे, ये कलयुग में बड़े बड़े संत लोग भी जन्म लेने वाले हैं, बड़े बड़े संत लोग भी जन्म ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए विशेष करके ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है, ये कलयुग में साक्षात महाप्रभु जन्म लेने वाले। और इसी कलयुग में जैसे कली का प्रभाव है उसी तरह भागवत का एकादश स्कंध में बताए कलयुग में बड़े बड़े संत लोग भी कलयुग में आएंगे, ऐसे नहीं केवल पाप ही पाप है,
हैं, कभी पाप ही पाप नहीं। कलयुग में बड़े बड़े संत लोग आएंगे, देखो श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आए, ये कौन है? इसलिए इनके लिए आपको परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के लिए कहा करते थे। मतलब अभी तक जितने साधु आए हैं, अभी तक जितने महापुरुष जगत में आए हैं, उनका जो अवतार, उनका जो भक्ति, उनका जो प्रचार, कहते एक तरफ में रखो, एक तराजू लो, तराजू का एक तरफ में रख लो, हैं? और जो प्रभुपाद की जो भजन प्रचार, उसको तराजू का दूसरे तरफ में रखो, हैं? अगर दूसरे तरफ में रखोगे प्रभुपाद का जो देन भजन प्रचार देखोगे सबसे, और जितने आए उनसे भी ज्यादा पल्ले रखोगे तो इनका पल्ला भारी पड़ेगा और सबका पल्ला हल्का हो जाएगा। लोग प्रभुपाद के लिए उन्होंने इतने बड़े शब्दों में प्रयोग किया, इसलिए मैं भी सुन सुनकर बोलता था ये कैसे हो सकता है, मेरे मन में भी शंका होता था, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब गोस्वामी लोग आए, बड़े बड़े साधु लोग भी आए, बड़े बड़े साधु, ये कैसे बोल रहे? अभी तक जितने साधु आए, अभी तक जितने भक्त लोग आए, उनको एक तरफ में प्रभुपाद का पल्ला भारी कैसे? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे भी दिमाग में, लेकिन धीरे 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 मेरे को नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जो प्रभुपाद है वो साधारण नहीं है। कौन इसलिए आप सुन रहे थे ना, ये राधा जी की नयन मणि मंजरी है, हाँ, राधा जी की कृपा कटाक्ष है, राधा जी की कृपा कटाक्ष है, राधा जी की जो कृपा है, जो आंख का जो मणि है, मतलब मणि क्या है, हम कहते ना शुभ दृष्टि कर प्रभु जग तेरा प्रति जागु का हृदय मोर सुमंगल राति मंगल श्री गौरो गौर मंगल मुरारती मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदारे मंगल आरती जागे भक्त हृदये। इसलिए हम भजन गाते हैं ना, कहते शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति, जब ठाकुर जी का दरवाजा खुलता है सवेरे में मंगल आरती क्या कहते हैं, बोले शुभ दृष्टि, आपका जो दृष्टि वो शुभ दृष्टि है, जगत का ऊपर में कृपा करो। इसलिए राधा रानी का जो कृपा जो शुभ दृष्टि क्या है, ये प्रभुपाद है, कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनकी दृष्टि है, उनका कृपा दृष्टि है, हाँ, इसलिए राधा रानी की कृपा दृष्टि ही कहती है प्रभुपाद है। अब बताओ राधा की कृपा दृष्टि के बराबर हम किसको क्या कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जैसे दयालु इतने कृपालु हाँ जगत में कोई नहीं है, वो नहीं आते तो हम कभी भी यहाँ पर जो थोड़ी बहुत भजन करने के लिए कोशिश कर रहे हम कभी भी यहाँ बैठकर भजन कर नहीं सकते, कथा नहीं सुन सकते, ये केवल प्रभुपाद की कृपाएं। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जोर से जय कर लेना। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इसलिए इसलिए कहते जो प्रभुपाद बड़े दयालु प्रभुपाद बड़े कृपालु हुए हैं, जो हमारे ऊपर उन्होंने कृपा की है। इसलिए जगत में जो महाप्रभु जगत में जो आए हैं हाँ, इस सब क्या किस लिए कथा सुना है, मैं भूल गया, मैंने किस लिए उदाहरण दिया, किसको याद है, मैंने क्यों ये उदाहरण दिया प्रभुपाद, आप भी सब सुनिए। आप कह रहे थे कि किसका पल्लू और ज्यादा हो, जिससे कितनी ज्यादा भजन की। मैं ये तो नहीं, मैंने उदाहरण में क्यों दिया है, इसलिए हाँ इसलिए इसलिए तुम सही सुन रहे हो, तुम पास हो गए। इसलिए इसलिए बोले जो गंगा है हाँ गंगा, इसलिए बोले हमारे पास दो समस्या है। पहला समस्या है हमारी हाँ ये पवित्र कैसे बनूंगी, पवित्र कैसे बनूंगी। बोले कलयुग में बड़े बड़े संत पुरुष भी कलयुग में आएंगे,
कोई 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 बोलते ना, अरे कलयुग में कोई साधु है ही नहीं, कलयुग में कोई साधु, जो साधु थे सब चले गए। नहीं, ये गलत बात है, ये इस बात नहीं बोली, अपराध एक तरह का अपराध है। इसलिए नहीं तो प्रभुपाद कैसा है, हमारे गुरुदेव कैसा है, आपका परम गुरुदेव कौन थे? नयन मणिमंजर प्रभुपाद, और आपका परम गुरुदेव श्री विनोद मंजरी है। हमारे गुरुदेव कदी कदी रमण मंजरी है। ये जगत तब अभी इसलिए जगत टिका हुआ है, अभी जगत में कुछ साधु पुरुष है, अभी कुछ भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान ये दुनिया को टिका करके रखे हैं। जो कोई भक्ति नहीं करेगा ना, भजन करने वाले नहीं रहेगा। आपको पता होगा अमेरिका, भारत, अब हलान, यूरोप और हमारे रसिया, वो ऐसे ऐसे एटम बम बना करके रखे हैं। अगर इस बार अगर विश्व युद्ध हो जाएगा ना, समझना कोई कुछ भी रह नहीं जाएगा, दुनिया ध्वंस हो जाएगी। ऐसे ऐसे एटम बम बना करके, एक फटेगा तो कहते अमेरिका तरफ रसिया, रसिया की तरफ अमेरिका, वो दोनों तरफ मुंह करके अगर आन किया ना दोनों, बस दोनों जैसे ही खत्म। इतने भयानक एटम बम बना करके रखे। इसलिए ठाकुर जी बुद्धि को खराब नहीं कर रहे, उनकी कारण है, कारण है भगवान को पता है मेरे भक्त लोग अभी कुछ है, हाँ मेरे भक्त लोग जगत में है, अभी अभी मेरी भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, कौन तय हवा प्रतिजानी न मैं भक्ता परिणति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का विनाश नहीं, मेरे भक्त का विनाश नहीं। कि भगवान स्वयं अर्जुन से प्रतिज्ञा कराते हैं। अर्जुन कहता है, प्रभु मेरे से क्यों करा रहे हो, खुद करना, तुम्हारे भक्त का विनाश नहीं। बोले अर्जुन, मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा की है, अगर मेरा भक्त कोई अगर प्रतिज्ञा करता है ना, फिर मैं अपना भक्ति मैं प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ। अगर मेरे भक्त जो प्रतिज्ञा करते हैं, मैं कभी उसको तोड़ता नहीं, हर समय भक्त का प्रतिज्ञा को मैं रक्षा करता हूँ। हाँ, इसलिए इसलिए एकादश स्कंद में वहां पर बताते, मैं भी नवो जुगेंद्र संवाद में वहां पर बताया, बोले अभी जगत में जैसे कलयुग घोर कलयुग है, कलयुग में सबसे ज्यादा संत कलयुग में आए। एकादश स्कंद पढ़कर देखो, सबसे ज्यादा कलयुग में, और दूसरे युग में इतने संत नहीं आए थे जितने कलयुग में संत आए। बताओ रूप गोस्वामी जैसे कोई बन सकते हैं? रूप बन जाइए। महाप्रभु कहते, मैंने संपूर्ण गोलक वृंदावन का जो निकुंज मैंने उतारा दिया है, संपूर्ण इसलिए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो जीव दया करी सपार्षद सियोदाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारि दान सिखाए शरणागति भकतेर प्राण दैन आत्मनिवेदन कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, बोले सो पार्षद शिव धाम सहवतरी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, पूरा धाम समेत पूरा गोलोक वृंदावन को लेकर के पूरा परिकर को साथ में आए हैं। सख्यात ललिता विशाखा चंपलता तुंगविद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी रूपमंजरी रतिमंजरी लभगमंजरी अनंगमंजरी श्रीदाम सुदाम वसुदाम नंद जसुदा कृतिका सुंदरी वृषभानुमान सबके सब जितने कलयुग में द्वापर युग में जितने अवतार थे कलयुग में सारे अवतार आ गए कलयुग में। किसी इसलिए इसलिए किसी युग में इतने संत ही नहीं आए, इतने संत कलयुग में आए हैं। इसलिए इसलिए कलयुग में अभी कुछ भक्त कर रहे, इसलिए कह रहे हैं धर्म परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान युग युग में कहते भक्तों को परित्राण करने के लिए, बोले भक्तों का क्या परित्राण करें, भक्त ऑलरेडी परित्राण है, क्योंकि भक्त लोग हृदय में भगवान को धारण करके रखे हैं, वो हर समय पवित्र है। हर समय फिर क्यों आते हैं, बल्कि उनका विरह को दूर करने के लिए। भक्त लोग जब बहुत कृष्ण विरह में,
कृष्ण विरह में बहुत तड़पराते हैं, हे प्रभु अगर दर्शन नहीं दोगे तो तेरे विरह में प्राण छोड़ देंगे। जैसे गोपियों ने गोपी गीत को गाए, हाँ गोपी गीत को जो गोपियों ने गाए कृष्ण रह नहीं सके, फिर कृष्ण गोपियों के बीच में मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर कृष्ण प्रकट होते हैं। उसी तरह जब भक्तों का हृदय में कृष्ण प्रेम की आग लग जाए, भगवान दर्शन कब देंगे हमें, ठाकुर का दर्शन कब मिलेगा, जब उनके हृदय में प्रेम की आग जल उठे ठाकुर जी रहने बात में, ठाकुर जी जैसे गोपियों के बीच में मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर कृष्ण प्रकट हुए और उनका दर्शन दिया, विरह दूर किया, इसलिए भक्तों का परित्राण नहीं, उनको विरह रूपी प्रेम रूपी विरह को उपशमन करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये भी एक कारण है महाप्रभु कलयुग में क्यों आए, ये कारण है। और एक कारण है राधा रानी का प्रेम में उन्हें बहुत ऋणी बन गए थे, बहुत ऋणी बन गए थे राधा जी के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में, कृष्ण का के प्रतिज्ञा थी कि तुम गिन रहे ना, केवल सुन रहे हो, गिन रहा कितना कारण है क्यों क्यों महाप्रभु आए कलयुग में, महाप्रभु क्यों आए, गिन रहे सबके साथ, हाँ इसलिए इसमें बताए उसका जी ये कारण बताए। अभी उन्होंने कृष्ण का गीता में एक बहुत बड़ी कृष्ण प्रतिज्ञा की थी, बोले जे जथा माम प्रबदन्ते तामस तथैव भजामि, अर्जुन मुझे जो जितने परिमाण से भजन करता है मैं भी उसी अनुरूप उसको प्रेम प्रदान करता हूँ, जो एक आना भजन करे एक आना प्रेम देता हूँ, जो दो आना करे दो आना, जो तीन आना, हाँ जितने जो मेरे भजन करता है उसके अनुरूप मैं उनको प्रेम प्रदान करता हूँ। कृष्ण की ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा और कृष्ण का ये बहुत बड़ा अभिमान था, लेकिन ये सारे अभिमान भगवान की जब रास उन्होंने गोपियों के साथ में की सारे अभिमान टूट गए। इसलिए कृष्ण को बोले हे गोपियां, कृष्ण बोले हे गोपियां, तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग की है, संसार पुत्र परिवार दुनियादारी को तुमने ठोकर मार दी मेरे लिए, अगर मैं ब्रह्मा जैसे परमाय को ले लूं तुम लोगों का ऋणी से कभी मैं मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक उदाहरण दिया, कोई एक बड़ा पहलवान था, पहलवान रेसलर था, वो हर जगह में जाकर बड़ा अभिमान करता था, अरे कोई हो मेरे साथ में आओ, कोई हो मेरे साथ में लड़ाई करो, लेकिन जहाँ एक सर होता है ना कहीं सवा सर मिल ही जाता है, एक कभी हिंदी वार है, इसलिए जहाँ एक सर है वहां पर कहीं सवा सर मिल ही जाता है। अब बता दो मैंने क्या बताया, तुम्हारा भाषण बता दो, समझ में आएगी नहीं तुम्हारी, इसका मतलब बताओ तो, या एक सर है कहीं ना कहीं सवा सर मिल ही जाती है, और तुम्हारी तुम्हारी भाषा में समझाओ तो इसलिए कहीं जब एक सर है ना कहीं सवा सर मिल जाता है, और एक सर वाला था लेकिन कहीं उसको सवा सर वाले मिल गए, सब सवा सर का मिल गए, और बड़ा डी घाक रहा था, कोई आओ मेरे साथ में दो हाथ कर लो, कोई आओ सवा सर वाला मिल गया, मिल गया तो इतने में सवा सर वाले थे, उसने क्या किया उसका पंजे में पंजा मिला, पहले जो रेसलर था ना पहले हाथ में हाथ मिलाते, हाथ में हाथ मिला करके जो सवा सर वाला था ना एक झटका मारे, लड़ाई क्या करेगा कुश्ती क्या करेगा, पकड़ करके झटका मारे तो सीधा उसको अपने चरण में गिरा दिया। जो एक सर वाला था बोले भैया मैं तेरे पार नहीं पाऊंगा, मैं नहीं पार पाऊंगा, तेरे साथ में लड़ाई नहीं कर सकता हूं। इसलिए कहते एक सर कौन है, बोले कृष्ण, बोले सवा सर कौन, बोले गोपियां, गोपियां सवा सर ही है, हाँ कृष्ण बड़ा अभिमान कर रहे थे मेरे को जितना भजन करेगा वैसे उसको प्रेम देता हूँ, लेकिन जब गोपियों को पास में सवा सर को पास में कृष्ण पहुंचे बोले भैया तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पाऊंगा, तुम लोगों ने इतने मेरे लिए भक्ति इतने भक्ति की है, मैं कभी भी तुम्हारी ऋणी को मैं उतार नहीं सकता, कभी ऋणी नहीं उतार सकता, इसलिए उन्होंने माफी मांगे हैं। इसलिए अभी कृष्ण को गोपियों ने इतने भक्ति की, राधा कृष्ण को इतने भक्ति की, अभी इनका ऋण तो उतारना पड़ेगा ना, जैसे तुम एक आना दिया मैं एक आना दिया खत्म हो गया, लेकिन तुमने मेरे को इतने दिया मैं कुछ दे नहीं पाया, ऋणी को उतारना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए कलयुग में महाप्रभु बन करके
वही राधा जी की भाव अलका से लेकर के कृष्ण दिन रात हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण बन करके ऋणी को उतारने के लिए कलिजुग में उनको श्री राधा जी के भाव अलंका से लेकर के कलिजुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए फिर उन्होंने गोपियों की ऋणी को उन्होंने उतारा। कभी ये सारे कारणों को लेकर के कलिजुग में श्री मन चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं और सर्वत्र हरिनाम प्रचार करते हैं। और एक कारण है जगत में कलिजुग का जो युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन है, ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए कलिजुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हरि कीर्तन को प्रचार करते हैं। कितना कारण हो गया, कोई भी नहीं बैठा वो लिख रहे हैं हरे कृष्ण, कितना कारण लिख जाते हैं, कितना लिख रहे, नंबर नहीं दे रहे हो, नंबर नहीं दिया, ठीक है। इसलिए कल हम सुन रहे थे महाप्रभु कैसे नवद्वीप में जन्म हुए। जब जन्म हुए कभी सच्ची माँ का जो पिता थी हाँ कभी फिर नीलांबर मिश्र है, कभी ये बहुत बड़े छोटी से है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का हाँ उन्होंने महाप्रभु का कौन सा जन्म कौन सा नक्षत्र महाप्रभु जन्म हुई उसको देख करके उन्होंने उनका जन्म पत्री बनाए। ये बेटा भविष्य में क्या करेगा, तो नीलांबर चक्रवर्ती बोले ये जो बेटा है ये साधारण नहीं, ये लिखा हुआ शास्त्र में कलियुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो होते हैं राजा बनते क्षत्रिय, बोले कलियुग में ब्राह्मण राजा बनेगा। ये लगता है इसका जो ज्योतिषी हाँ इसका जो सब कुछ ये लगता है ये कलियुग में राजा बनने वाला है, इस राजा बनने वाला ये बच्चा भविष्य तो राजा बनेगा। सचमुच सुनने महाप्रभु जगत में तो उनसे बड़ा राजा कौन हो सकता है, तो महाराजा का भी महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु बोले महाराज बनने वाले हैं। कहते बेटा ये बेटा हाँ कहते बेटा जब जन्म ग्रहण करेगा जगत में संपूर्ण दुनिया, इसलिए उनका नाम रखा था विश्व भर रखा, कहते बच्चा जन्म होते ही संपूर्ण विश्व में पेड़ पौधा लता पता में फल फूल से एकदम भर गया दुनिया है, सारा दुनिया अपने आप प्रसन्न हो गए, इसलिए इसका नाम होगा विश्वभर होगा, जो कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपना खाने से भी और भगवत भक्ति से भी जो विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वभर इसका नाम होगा। कहिए बेटा भविष्य में जगत में हरि कीर्तन को प्रचार करेगा। उनने सारी एक भी चीज को बता दिया, उन्होंने बता करके लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं बताया, बोले क्या नहीं बताया, क्या नहीं बताया, बोले हाँ कहीं जो बड़ा होगा ना ये सन्यास लेने वाले हैं 26 साल उम्र में सन्यास लेगा, इसलिए ये बात को उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने छुपा दिया, क्योंकि हमारा भारत में कोई नहीं चाहता मेरा बेटा सन्यासी बन जाए, हर व्यक्ति हमारा भारत में सब चाहते हैं मेरा बेटा जो बड़ा हो मेरे घर में रहे, घर में बहू आएगी, और घर में जब पिता माता बूढ़े हो जाएंगे ना जो बहू आएगी घर में पिता माता को यही खिलाती पिलाती घर का काम बहू ही सब कुछ काम करती है, पिता माता को सेवा करती है, इसलिए कोई नहीं चाहता मेरा बेटा साधु बन जाए, इसलिए उन्होंने सन्यासी बने की बात उन्होंने छुपा करके उन्होंने रख दिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने एक नाम उन्होंने निमाय नाम रखा है, भले नाम निमाय नाम क्यों रखा, भले इसलिए नाम रखा, उसको दो कारण है निमाय नाम रखने का। एक कारण है वो नीम वृक्षों को नीचे उन्होंने जन्म हुए, नीम वृक्षों को नीचे इसलिए निमाय। दूसरा कारण है महाप्रभु जन्म होने से पहले आठ उनको कन्या शरीर छोड़ चुकी थी, आठ कन्या लड़की जन्म होकर वो मर चुकी थी, बोले इनका नाम कोई मीठा नाम मत रखा करो, बढ़िया नाम मत रखा करो, ये जमराज नहीं लेगा, इसलिए कड़ुआ नाम रख दो जिसे जम छुएगा नहीं, ये हमारे भारत में ट्रेडिशन है, इसलिए उनका नाम रख दिया निमाही। निमाय मतलब होता है ये कड़ी, नी कड़ी होती है ना, इसलिए कड़ी नाम रख ये जम उसको छुएगा नहीं, इसलिए उनका नाम निमाय रख दिया। जब महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हुए हैं, जब इतने में जब महाप्रभु जन्म हुए सारे देवता लोग देवी लोग को दर्शन करने आते थे, सारे
हाँ सारे देवादेवी दर्शन करने आते थे, लेकिन आते थे इतने में मैया सच्ची जगन्नाथ मिश्र जो देवता लोग आते थे, होता ना पता लग जाता कोई आए किसका कोई परछाई पड़ा है, हाँ उसे डर जाते थे, कब क्या करते थे नृसिंह देव का नाम लेते थे, हाँ नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद अलादायिनी हिरण्य कश्यपुर बक्ष लटंक लखाने, इसलिए तब कर कमल बरे नखमद भूत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यपुर तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, तब कर कमल बलिन कमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव। नृसिंह देव का नाम लेते सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं, हाँ इसीलिए सब नृसिंह नाम उच्चारण करते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था शंकर जी ब्रह्मा जी रुद्राणी इंद्र चंद्र सबके सब महाप्रभु को दर्शन के लिए आते थे, महाप्रभु को दर्शन करते थे। महाप्रभु जब थोड़ी सी बड़े हुए जब केवल घुटन पर चलना सीखे, बच्चा होता ना घुटन पर चलता है, हाँ घुटन पर जब चलना सीखे एक दिन श्री अनंत देव सोचे ठाकुर जी को मैं थोड़ा सेवा करके आओ, क्योंकि ठाकुर जी अनंत नाग ऊपर सहने की हुए, अभी वही ठाकुर जी अभी चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, एक दिन साक्षात अनंत देव एक सांप बन करके आ गया, हाँ वो सांप बन करके वहां पर ये कर रहे थे। महाप्रभु घुटन पर चलते चलते गए, जब गए वो जो सांप ना ऐसे गोल करके बैठ गया, ऐसे गोल करके ऐसे करके बैठ गया, और महाप्रभु जाकर उसके ऊपर बैठे गए। जब बैठ गए जितने सब लोग थे, हाँ जितने सब लोग थे डर गए, हे भगवान ये क्या हो गया, हमारे लाला को काट नहीं दे, लाला को काट नहीं, सब डर गए। इतने में सबके सब गरुड़ 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 गरुड़, क्योंकि जो गरुड़ का जो आहार सांप है, इसलिए सांप का डर से गरुड़ का नाम लेने पर सारे सांप का भय चले जाता है, सबके सब गरुड़ 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 चित्कार किया। तब अनंत देव ने देखा सब लोग मेरे को देख डर रहे हैं, मेरे को देख डर रहे हैं, पर अनंत देव वहीं पर बड़े हुए। एक दिन महाप्रभु बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं महाप्रभु, सारा शरीर में सोने के अलंकार पहने हुए। एक दिन दो चोर आए, दो चोर ने देखा अरे बड़े सुंदर बालक है, देखो शरीर में सारा शरीर में सोने पहने हुए। दोनों चोर सोच रहे हैं तो देख ये बच्चे को हम उठा कर ले जाएंगे, कोई बोलते इस गले में जो हार है ना ये हार मैं लूंगा, दूसरा कहता है तू तो हार ले लोगे, उसका कमरे में गर्दन है ना हम इस गर्दन का लोग लेंगे, कोई बोलते हैं उसका हाथ में जो बाला आज पहने है मैं उसको लूंगा, कोई कहते हैं उसको हाथ में जो कड़वा पहना है हम उसका, उस मन मन में ना वो कौन सा बच्चे को उठा कर चोर हम क्या क्या लेंगे वो सबके सब मन मन में से बोल दिए। और जाकर के वो बच्चा खेल रहा था, हमने जाकर ऐसा एक्टिंग की मानो ये बच्चा हमारा, जैसे दूसरों को देखकर ये नहीं लगे किसी दूसरे बच्चे को उठाकर ले जा रहे, जाकर बोले अभी तक तुम कहाँ था, बोले नहीं नहीं बोले चलो चलो बोला चलो चलो, महाप्रभु बोले चलो चलो। वो दोनों चोर क्या किया, महाप्रभु कंधे पर बैठा दिया, बैठ करके वो जा रहे किसी एक गुप्त जगह में चलो जहां पर ये बच्चे को, हाँ सारे अलंकार उतार करके ये बच्चे को हम छोड़ कर चले जाएंगे, सारे अलंकार उतार करके उन्होंने अपना गुप्त स्थान में जा रहे हैं। इधर देखा लोगों ने, भैया ये निमाई कहाँ चला गया, ये निमाई कहाँ चला गया, पूरा हल्ला हो गया, भैया ये बच्चा कहाँ गया, ये बच्चा मिल नहीं रहा है, चारों तरफ में हल्ला हो गया, बच्चा कहाँ कहाँ बच्चा कहाँ गया, यही यहीं पर खेल रहा था, यहीं पर खेल रहा था। दोनों चोर उन्होंने लेकर के गए, लेकिन सारा नवद्वीप घूम घूम घाम करके फिर वहीं पर आ गए, वो सोच रहे हैं हम तो अपना गुप्त स्थान में जा रहे हैं, लेकिन घूम घाम करके वो आगे कहां पर जहां से उन्होंने उठा कर लेकर गए ना
उन्होंने वहीं पर उनको फिर आकर के वहीं पर आ गया। आगे सारा दुनिया घूम रही, भैया बच्चा कहाँ बच्चा कहाँ। चोर ने देखा भैया हम कहाँ आ गए, हम तो जहां से उठाकर लेके गए वहीं पर आ गए। फिर उन्होंने देखा लोग उसको ढूंढ रहे, फिर बच्चे को जल्दी दूर रखे और वहां से भाग गए सबके सब। जब भाग गए फिर देखा भैया ये बच्चा फिर कैसे आ गया, बोले बच्चा को किसने लाया, किसने उसको ढूंढा, किसने लाया उसका, हम कुछ पुरस्कार देंगे, कुछ प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन दोनों चोर तो वहां से भाग गए। इसलिए कहती है दोनों चोर कोई साधारण नहीं थे, क्योंकि भगवान जिसको कंधे पर बैठते हैं वो कोई साधारण हो सकता है क्या? भगवान कोई साधारण व्यक्ति कंधे पर नहीं बैठते हैं, ये परमात्मा ये कोई भगवान की कोई भक्त है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए इसलिए भागवत में बताते जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिपस्तुनई वेद सांग क्रम पर निषदि गायति जत सामगा ध्यानावस्थेन जत गतेन पश्यन्ति जत योगिना। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता कितने कठोर तपस्या करते हैं, जिनकी चरणों को पाने के लिए हाँ अपना हाँ हट योग योग समाधि को तरह बाइक रोक करके क्या क्या करते हैं, केवल भगवान के हृदय में तरह स्मरण करे। वो भगवान के स्मरण का विषय नहीं होते हैं, लेकिन ठाकुर जिसको कंधे पर बैठ कर गए ये कोई साधारण व्यक्ति है तो नहीं, ये परमात्मा में ठाकुर जी की भक्त है। ठाकुर जी की इच्छा थी इनको कंधे पर इतना बैठो और इनको पूरे कृपा दुर्वास कंधे पर बैठे, कृपा करके फिर उन्होंने उनको छोड़ दी। ऐसे ही भगवान बड़े सुंदर सुंदर बचपन में महाप्रभु बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी भगवान लीला करके अपना भक्तों को अपना लीला रस में डुबो देते थे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक कल है दो तिथि, कल है एक है बामन द्वादशी, भगवान बामन देव का काल जन्मतिथि है, इसलिए कल हम भगवान बामन देव का कथा सुनेंगे। फिर कल है श्री जीव गोस्वामी, हमारा संप्रदाय में जो छह गोस्वामी हुए हम रोज जयते थे ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, उसमें एक जीव गोस्वामी हुए जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये तीन भाई थे। तीन भाई में जो अनुपम था हाँ, इनका जो बेटा है श्री ये जीव गोस्वामी, ये जीव गोस्वामी हमारा संप्रदाय में बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब ये ग्रंथ लिखते थे करेक्शन करने वाले ही थे, उनका ग्रंथों करेक्शन यही करते थे संस्कृत भाषा में, बहुत बड़े धुरंधर विद्वान थे। इसलिए कल इनका जन्मतिथि है, कल भी हम इनकी कथा सुनेंगे, श्री बामन देव का कथा सुनेंगे। अगर समय होगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी, कल चैतन्य महाप्रभु को भी कुछ कथा सुन लेंगे, कोशिश करें सब मिला जुला के सब कथा सुन लेंगे। कल गिरिराज की पूजा करें, नहीं होगा ना, नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ आरती कर जा, गौरांग बोली ते हवे पोलक शरीर, हरी हरी बोली ते ना क्या बाबीर, गौरांग बोली ते हवे पोलक शरीर, हरी हरी बोली ते आय कगनी चांदे करुणा है संसार बसना मोड़ कब तो आय कगनी चांदे करुणा है संसार बसना कर
हरे राम हरे राम वृंदावन हरि बोल हरे कृष्ण की वा जया जया गोरा चंदेर आरती को शोभा धीरे बजाए कौन बजाए आ जया गोरा
चांदेर एकदम धीरे धीरे चाहता जो रोदित शोभा जाह्नवी तटवती जगमन लोभा जाह्नवी तटवती जगमन लोभा जग जनेर मन लोभा जग जनेर मन लोभा गौरंग रारती शोभा 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 मन लोभा साई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दक्षिणि ताई चार बामि गदाधार दक्षिणि ताई चार रत्न सिंह चारि बाबा से रति गौरा चार रत्न सिंह चारि आरती करे नाम ब्रह्मा आदि देव धरि ओ आरती करे नाम ब्रह्मा आदि देव धरि Hari Bol, Hari Bol,
Bahupati Chandra Ji Badanao Chola Bahupati Chandra Ji Badanao Chola Bahupati Chandra Ji Badanao Chola Bahupati Hari 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 Hari
Happy
जय श्री गुरु श्री राधा अभिनंदन संध्यारती जय जय लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला प्रविष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला प्रविष्णु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला प्रविष्णु भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला प्रविष्णु गौर गोविंद महाराज की जय जनित लीला प्रविष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय महाभागवत श्रील गौर सरदास स्वामी बाजी महाराज की जय सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ स्वामी बाजी महाराज की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ शरद स्वामी प्रभु की जय नामाचार्य चल हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि सिंह और भक्त वृंद की जय राय रामानंद स्वरूप दामोदर आदि गुरु पार्षद वृंद की जय नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्त तुलसी देव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मंज की जय राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मोदर की जय जय श्री अनंत पटि गौर भक्त वृंद की जय एकादशी तिथि की जय एकादशी तिथि पालन भक्त वृंद की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति देव सत्रुते वंशाकृत्रिपाच पिता पावन भो वैष्णव नमो नमः।